हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बिट्रिस पीएम ने सीट बेल्ट नहीं पहना, 10,000 जुर्माना, लॉकडाउन पार्टी पर भी फाइन लग चुका। भारत में हुआ था पीएम की कार का चालान। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लग गया है। और दोस्तों, लंकाशायर पुलिस ने शुक्रवार को पीएम सुनक के खिलाफ 100 पाउंड का चालान जारी किया। हालांकि दोस्तों, सुनक 2 दिन पहले यानी गुरुवार को इस मामले में माफी मांग चुके हैं। और दोस्तों, यह दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक पर जुर्माना लग गया है। और दोस्तों, जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी कैरी के साथ पार्टी करने पर भी उन पर पेनल्टी लगी थी। वही दोस्तों, उस समय सुनक लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में भी एक बार प्रधानमंत्री की कार का चालान किया जा चुका है। और दोस्तों, यह एकमात्र वाक्य 1982 का है, तब देश की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी दिल्ली में ट्रैफिक DCP थी। तो दोस्तों, उस समय एशियाई खेल शुरू होने वाला था, तभी कॉनॉट पैलेस के आउटर सर्किल के पास मिंटो ब्रिज एरिया में इंदिरा गांधी की कार आई और कार का ड्राइवर नियमों से हटकर कार को पार्क कर रहा था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम की रैली में सुरक्षा में चूक, फर्जी सैनिक रैली के 1.5 घंटे पहले पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, पीएम मोदी के कार्यक्रम में खुद को गार्ड बताकर घुसने वाले एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और दोस्तों, कार्यक्रम में पीएम के पहुंचने से करीब 90 मिनट पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई। वही दोस्तों, कोर्ट ने आरोपी को 24 जनवरी तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि 19 जनवरी को पीएम मोदी महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वही दोस्तों, मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि पीएम के यहां पहुंचने के करीब 90 मिनट पहले एक शख्स ने खुद को गार्ड्स रेजिमेंट का नाइक बताया और उसने हाई सिक्योरिटी वाले VVIP एरिया में घुसने की कोशिश की। वही दोस्तों, इस आरोपी की पहचान 35 साल के रामेश्वर मिश्रा के रूप में हुई थी और वह साइंस ग्रेजुएट है। तो दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अधिकारियों के शक होने पर 3:00 बजे उसे रोका और फिर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 महीने चलेगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, 26 जनवरी से शुरू होगा, कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे राहुल गांधी का पत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे और 6 लाख गाँव और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 10 लाख मतदान केंद्रों के हर घर तक पहुंचेंगे और यहाँ वे राहुल गांधी का पत्र लोगों को सौंपेंगे। तो दोस्तों, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा और इस अभियान के दौरान पार्टी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्र के साथ भाजपा सरकार की विफलताओं की एक चार्जशीट को हर घर में बांटा जाएगा और इस अभियान का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करना भी होगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी, हिमाचल में 3 NH सहित 380 सड़कें बंद, कश्मीर में 30 जनवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। तो दोस्तों, देश के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है और हिमाचल प्रदेश के 7 जिले शीतलहर की चपेट में है। वही दोस्तों, प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 3 NH सहित 380 सड़कें बंद हो गई है और सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति जिला में पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर 182 सड़कें बंद है और शिमला का अधिकतम तापमान 13 डिग्री से गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया है और मौसम विभाग ने यहाँ 30 जनवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के चलते सड़क बंद हो गई है और उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय हॉकी टीम के स्टार मिडफील्डर हार्दिक वर्ल्ड कप से बाहर, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हुई थी हैमस्ट्रिंग इंजरी, राजकुमार पाल टीम में शामिल।
हिल। तो दोस्तों रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के महत्वपूर्ण क्रॉसओवर मैच से पहले स्टार मिडफील्डर हार्दिक सिंह मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। तो दोस्तों हार्दिक को वेल्स के खिलाफ भारत के पुल डी के आखिरी गेम के लिए आराम के लिए भेज दिया गया था। साथ ही दोस्तों हॉकी इंडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी और हार्दिक की जगह राजकुमार पाल को टीम में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्रेहम रेड ने कहा है कि शुरुआत में चोट इतनी गंभीर नहीं लग रही थी, लेकिन रिहैबिलिटेशन और ऑन फील्ड अरेस्टमेंट के बाद हमने फैसला लिया है कि हम हार्दिक की जगह राजकुमार पाल को रिप्लेस करेंगे और हार्दिक का वर्ल्ड कप अच्छा जा रहा था और वे इंजरी को लेकर दुखी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 54 दिन बाद फिर जेल से बाहर राम रहीम, यूपी के बरनावा आश्रम रवाना, 40 दिन की पैरोल मिली, हनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर बदला स्टेटस। तो दोस्तों डेरा सच्चा सौदा का मुखी राम रहीम फिर से जेल से बाहर आ गया है और दोस्तों शनिवार को वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला, जिसके बाद दोस्तों कड़ी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम रवाना हो गया है और दोस्तों उसके साथ मुंह बोली बेटी हनप्रीत भी साथ है। तो दोस्तों राम रहीम के जेल से बाहर आते ही हनप्रीत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी अपलोड कर दिया है और राम रहीम के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड कर दी है। तो दोस्तों राम रहीम को कल रही 4 दिन की पैरोल मिली है और पिछले 54 दिन में वह दूसरी बार जेल से बाहर आया है। तो दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि वह 25 जनवरी को सिरसा डेरा में आएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। क्रिस हिस्किंस बनेंगे न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री, कोरोना में अच्छे काम कर पहचान बनाई, अब जैसिंडा अर्डन की जगह लेंगे। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में जैसिंडा अर्डन के बाद लेबर पार्टी के सांसद क्रिस हिस्किंस नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों क्रिस हिस्किंस को साल 2020 में महामारी से निपटने के लिए कोविड मिनिस्टर बनाया गया था। तो दोस्तों उस दौरान क्रिस के काम की दुनिया भर में सराहना हुई थी और कोरोना महामारी के 3 साल में न्यूजीलैंड में केवल 2437 मौतें दर्ज की गई थी। वहीं दोस्तों फिलहाल क्रिस न्यूजीलैंड के पुलिस और एजुकेशन मिनिस्टर है और लेबर पार्टी के बीच उन्हें ट्रबल शूटर यानी मुसीबत खत्म करने वाला कहा जाता है। तो दोस्तों अक्टूबर में लेबर पार्टी को तीसरी बार देश की सत्ता में लाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू के नरवाल में 2 कारों में ब्लास्ट, 20 मिनट में 2 धमाके, 6 लोग घायल, एनआईए की टीम जांच करेगी। तो दोस्तों के नरवाल में शनिवार को लगातार 2 धमाके हुए और दोस्तों इनमें 6 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस धमाकों की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनआईए की टीम इन धमाकों की जांच करेगी और यह ब्लास्ट जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के 2 दिन बाद हुए है। तो दोस्तों हालांकि ब्लास्ट वाली जगह यात्रा से 58 किमी की दूरी पर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू के DIG शक्ति पाठक ने बताया कि नरवाल के यार्ड संख्या 7 में धमाके हुए और दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का अंतर था और सूचना मिलते ही SSP सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वही दोस्तों रिपब्लिक डे और भारत जोड़ो यात्रा के चलते जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और धमाकों के बाद पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है और दोस्तों CRPF सेना और पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और वाहनों की जाँच की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में भाजपा नेता लापता, दीवारों पर लगे गुमशुदगी के पोस्टर, लिखा किसी को कोई सुराग मिले तो तुरंत कॉल करके बताए। तो दोस्तों हिमाचल में जिला मंडी के तहत करसोग में ममेल वार्ड से जिला परिषद सदस्य बिहारी लाल शर्मा के बाजार में लगे लापता पोस्टर से सियासी घमासान मच गया है। तो दोस्तों भाजपा ने इस बारे में पुलिस में शिकायत करने के साथ ही इसे शरारती तत्व की चाल बताते हुए बिहारी लाल की छवि को खराब करने का षड्यंत्र बताया है। तो दोस्तों भाजपा मंडल करसोग के अध्यक्ष कुंदन ठाकुर ने कहा कि 18 जनवरी आधी रात को मास्क लगाए हुए 2 व्यक्तियों ने बाजार में जिला परिषद सदस्य बिहारी लाल शर्मा के लापता होने के पोस्टर लगाए थे और जिसकी फुटेज CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। तो दोस्तों जो बिहारी लाल की स्वच्छ छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, जिसका भाजपा मंडल कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य पिछले 30 सालों में राजनीति के क्षेत्र में लोगों की सेवा
सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में बिहारी लाल शर्मा प्रदेश भाजपा के सचिव सहित मंडी संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी भी है। तो दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में बिहारी लाल के दिशा निर्देश में मंडी जिला सहित करसोग में भाजपा का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।